क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सोलर सिस्टम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जल्द ही न्यू सोलर पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए केंद्र वित्त मंत्रालय की तरफ से आम लोगों को सस्ती दरों पर लोन देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार इस क्षेत्र को भी प्राथमिक कर्ज वाले क्षेत्रों में शामिल कर सकते, इससे आने वाले समय में छोटे कारोबारियों को बहुत फायदा हो सकता। सोलर सिस्टम के क्षेत्र में अभी तक आसान शर्तों पर कर्ज मिलना आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसको लेकर सरकारी बैंकों को निर्देश जारी करने जा रहा। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकारी बैंकों से सोलर सिस्टम प्लांट लगाने के लिए लोगों को आसान दरों पर लोन मिलने लगेगा। बता दें कि कर्ज का 60% हिस्सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी की NBFC के जरिए दिया जाता था। इसके साथ ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी सोलर प्लांट लगाने वाले कारोबारियों को कर्ज देते, लेकिन सरकारी बैंकों का हिस्सा इस दिशा में काफी कम होता। इससे कारोबारियों के लिए कर्ज पर भारी ब्याज देना पड़ता है, जिससे लागत काफी बढ़ जाती। कारोबारियों की माने तो लागत बढ़ जाने से बाजार में आने वाले प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाते, जिससे कि वो पिछड़ जाते। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश पर बैंकों की तरफ से सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की गई, जिससे सोलर सिस्टम के क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों को सहूलियत होगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही। सोलर सिस्टम प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से पूरे राज्य में 18 सोलर सिटी का प्रोडक्शन करने का ऐलान कर दिया गया। इस प्लान के फर्स्ट स्टेज में नोएडा और अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की प्लानिंग की जा रही। इसी तरह बिहार सरकार भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कई तरह की स्कीम लेकर आई। बिहार ऊर्जा विभाग ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत घरेलू कंज्यूमर्स को सोलर सिस्टम से लैस करने का काम शुरू कर दिया। इस योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 10 मेगावाट की सौर बिजली उत्पादन शुरू कर दी जाएगी। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।